हेलो एवरीवन, क्लास वन में बच्चों को फिर क साउंड होते हैं, ठीक है। से क एज इन क्लॉक, तो सैक, रैक, लैक, बैक, पैक, ब्लैक। उसी तरह पिक, किक, सिक, लिक, टिक, चिक, थिक, चिक, स्टिक, निक, डिक, पिक, लक, डक, सक, बक, डॉक, मॉक, क्लॉक, टिकट, पॉकेट, जैकेट। इस तरह से बच्चों को स्पेलिंग याद करवाई जाती है, डिक्टेशन होता है, एंड उससे रिलेटेड क्या होती है, क साउंड से शॉर्ट स्टोरी दी गई है। उसमें क्या है, विकी एंड निकी लॉक दी हाउस एंड गो फॉर ए वॉक, विकी वियर्स ब्लैक शूज एंड वाइट सॉक्स। तो इसमें भी क साउंड से शॉर्ट स्टोरी है, उससे रिलेटेड फिर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। हु गो फॉर ए वॉक, तो विकी एंड निकी गो फॉर ए वॉक। व्हाट इज द कलर ऑफ विकी जैकेट, यहाँ पे लिखा हुआ विकी वियर्स ब्लैक शूज एंड वाइट सॉक्स एंड विकी वियर्स ए रेड जैकेट, ठीक है, रेड जैकेट, रेड कलर की जैकेट थी। हु वियर्स ए नेकलेस, तो नेकलेस किसने, तो निकी वियर ए पिंक फ्रॉक एंड ए नेकलेस, तो निकी ने नेकलेस पहनी थी, निकी वियर्स ए नेकलेस। उसी तरह हु आर ऑन द सैक, सैक पे कौन था, बोरी पे, तो यहाँ पे है चिक आर ऑन ए सैक, सैक पे क्या है, चिक थी। तो इस तरह से शॉर्ट स्टोरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे जंबल वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, जंबल वर्ड सेंटेंस बनाना उसमें कि मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय अरेंजिंग द जंबल वर्ड। जैसे कि वियर्स है, स्लैश पिंक है, स्लैश ए है, स्लैश फ्रॉक, स्लैश निकी है। तो इसमें क्या सही से सेंटेंस बनाना है, तो कैसे करना है, निकी वियर्स ए पिंक फ्रॉक। उसी तरह ऑन इज ए डक द रॉक है, तो दी डक इज ऑन ए रॉक। इस तरह से सही सेंटेंस करना, इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है क साउंड। थैंक यू।